नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। मोहक्ष शुक्ला आप देखें टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों को सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 123 पे यूपीआई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार एक नई यूपीआई सर्विस लेकर आई है जिसका नाम है 123 पे। अब आप बिना इंटरनेट वाले मोबाइल, मतलब छोटे कीपैड वाले मोबाइल से भी आप यूपीआई ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट्स, पैसे ट्रांसफ़र और बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र, बैलेंस इंक्वायरी, ये सब आप छोटे मोबाइल से बिना इंटरनेट वाले मोबाइल से भी कर पाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं, आपको लाइव पूरा प्रोसेस दिखाते हैं कि ये कैसे काम करेगा, कैसे आप इसे यूज कर सकते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं वीडियो हमारे एंड तक ज़रूर देखिए। अगर वीडियो एंड तक नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक नंबर डायल करना है अपने फ़ोन से, चाहे कीपैड वाला फ़ोन हो, चाहे आपका जो ये स्मार्टफोन हो, कोई भी फ़ोन हो, उससे आपको डायल करना है ये नंबर। यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मैंने नंबर डायल किया हुआ है 08045163666। ये नंबर आपको डायल करना है और आगे का प्रोसेस जैसे इसमें बताया जाता है उस तरह करना है। तो पूरा आपको लाइव ही दिखाता हूँ, यहाँ पहले लाइव देख लीजिए, पूरा मैं आपको लाइव ही दिखाता हूँ कि इसमें क्या कैसे करना होता है। रिचार्ज करने के लिए 3 दबाएं, हैश दबाएं अपने अकाउंट को मैनेज करने के लिए। बीप के बाद अपने बैंक का नाम बताएं जिसका आप इस सर्विस के लिए उपयोग करना चाहती हैं। स्टेट बैंक। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना बैंक जो है वो ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए क्या है, इसमें बीप का आवाज आएगा, उसके बाद अपना बैंक का नाम आपको बोल देना है। सेटअप करना चाहती हैं, यहाँ पर आपको याद रहे कि आपका जो बैंक से लिंकेड मोबाइल नंबर से ही आपको कॉल करना होगा, और यहाँ पे आपका जो अकाउंट नंबर लिंक करेगा, उसके बाद लास्ट 4 डिजिट अकाउंट नंबर बताएगा और फिर नाम बताएगा, उसे कंफर्म करेंगे, फिर आप दबाएं। किसी कृपया प्रतीक्षा करें, मैं आपका यूपीआई अकाउंट बना रही हूँ। बहुत बढ़िया, आपका यूपीआई अकाउंट बन चुका है। बैंक लिंक हो जाने के बाद में यहाँ पे आपको जो है यूपीआई पिन बनाना होगा। तो यूपीआई पिन बनाने के लिए आपके पास डेबिट कार्ड अपने पास होना चाहिए, और फिर आप 6 डिजिट का लास्ट डेबिट कार्ड नंबर डालेंगे और एक्सपायरी डेट डालेंगे, कंफर्म करेंगे, उसके बाद अपना एक पिन आप यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। यूपीआई पिन सेट करने के लिए कृपया अपना डेबिट कार्ड साथ में रखें। 1 दबाएं जब आप अपने डेबिट कार्ड डिटेल्स दर्ज करने के लिए तैयार हों। कृपया अपने डेबिट कार्ड के अंतिम 6 अंक दर्ज करें। कृपया कार्ड एक्सपायरी डेट दर्ज करें, जनवरी 2021 के लिए दर्ज करें 01-2021। डेबिट कार्ड के लास्ट 6 डिजिट डालने के बाद में अपना जो है यहाँ पे एक्सपायरी डेट डालेंगे कार्ड का, उसके बाद आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी भी यहाँ डायल कर देंगे। उसके बाद में आपको एक ना अपना एक 6 डिजिट का पिन क्रिएट कर लेना अपनी मर्जी से, और पिन भी यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया है, यहाँ देख सकते हैं मैं अपना ओटीपी डालता हूँ, पिन क्रिएट कर लेता हूँ। कृपया 6 अंकों का यूपीआई पिन दर्ज करें जिसका आप ट्रांजैक्शन के समय उपयोग करेंगे। एक बार पिन क्रिएट होने के बाद में आप यूपीआई सर्विसेज को यूज कर पाएंगे, जैसे कि रिचार्ज, पैसे ट्रांसफर, बिल पेमेंट्स, बैलेंस इंक्वायरी, ये सब आप कर पाएंगे। तो यहाँ एक एक करके आपको दिखाते हैं। आपका यूपीआई पिन सफलतापूर्वक सेट हो चुका है। मोबाइल नंबर का उपयोग करके पैसे भेजने के लिए 1 दबाएं, खाता नंबर का उपयोग करके पैसे भेजने के लिए 2 दबाएं, मेन मेन्यू पर जाने के लिए 4 दबाएं। बीप के बाद कृपया उस लाभार्थी बैंक का नाम बोलें जिसमें आप ट्रांसफर करना चाहते हैं। स्टेट बैंक। कृपया पैसे भेजने के लिए लाभार्थी खाता संख्या दर्ज करें। वो राशि दर्ज करें जो आप ट्रांसफर करना चाहते हैं। आप ट्रांसफर कर रहे हैं 10 रुपए। लाभार्थी खाता संख्या में 1106857 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कृपया 6 अंकों का यूपीआई पिन दर्ज करें आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट जिसके अंतिम अंक है 2। बहुत बढ़िया, आपका ट्रांजैक्शन सफल रहा। ट्रांजैक्शन डिटेल्स के साथ एक एसएमएस आपके मोबाइल नंबर पर भेजा गया है। कृपया 1 दबाएं अन्य ट्रांजैक्शन करने के लिए, डिस्कनेक्ट करने के लिए 2 दबाएं, मेन मेन्यू पर जाने के लिए 4 दबाएं, पैसे ट्रांसफर करने के लिए 1 दबाएं, अपना अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए 2 दबाएं, मोबाइल रिचार्ज करने के
आप चेक कर रहे हैं बैलेंस अपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट जिसके अंतिम अंक हैं 2। कृपया अपना 6 अंकों का UPI पिन दर्ज करें। आपका बैलेंस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट जिसके अंतिम अंक हैं 2 का 15,013.23। कृपया 1 दबाएं अन्य ट्रांजैक्शन करने के लिए। डिस्कनेक्ट करने के लिए 2 दबाएं। मेल में पैसे ट्रांसफर करने के लिए 1 दबाएं। अपना अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए 2 दबाएं। मोबाइल रिचार्ज करने के लिए 3 दबाएं। हैश दबाएं अपने अकाउंट को मैनेज करने के लिए। यदि आप जिस नंबर से कॉल कर रहे हैं उसे रिचार्ज करना चाहते हैं तो 1 दबाएं, और यदि आप किसी अन्य मोबाइल नंबर को रिचार्ज करना चाहते हैं तो 2 दबाएं। कृपया 10 अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज करें जिसे आप रिचार्ज करना चाहते हैं। मोबाइल नंबर 7-8 के साथ जुड़ा हुआ है जियो। पुष्टिकरण के लिए 1 दबाएं। ऑपरेटर बदलने के लिए 2 दबाएं। मोबाइल नंबर बदलने के लिए 3 दबाएं। कृपया रिचार्ज की राशि दर्ज करें। माफ कीजिए, हमें आपसे कोई इनपुट नहीं मिला है। कृपया रिचार्ज की राशि दर्ज करें। अल्ट्रा कैश भीम वॉइस को कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद। तो इस तरह से आप 123 पे UPI यूज कर सकते हैं। बिना इंटरनेट वाले मोबाइल फ़ोन से भी आप अपना UPI ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बैलेंस इंक्वायरी, रिचार्ज वगैरह सारा कुछ कर सकते हैं UPI से। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो हमारा पसंद आया होगा आपको, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि भारत में अभी भी गांव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कीपैड वाला फ़ोन होता है, और उनको बैलेंस इंक्वायरी वगैरह करना होता है तो बार बार वो बैंक ही जाके अपना बैलेंस इंक्वायरी कर पाते हैं। तो इसी को देखते हुए भारत सरकार ने ये जो 123 पे सर्विस लेकर आई है। तो इस वीडियो को शेयर करके आप कीपैड वाले मोबाइल तक पहुंचा दीजिए। तो उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को। आज के इस मिनट में थैंक यू, जय हिंद।